नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में सोशल मीडिया में कोरोना बीमारी को लेकर पिछले 3-4 दिनों से तरह तरह की चर्चाएं थी। यह चर्चाएं तब शुरू हुई जब एक प्राइवेट अस्पताल को सील करने के बाद लोगों द्वारा फेसबुक पर तरह तरह के पोस्ट किए जाने लगे। इस मामले पर आजमगढ़ के ही एक अस्पताल में कोरोना बीमारी को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह के बाद आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया गया और नतीजा यह रहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना बीमारी को लेकर फैलाई गई भ्रामक बातों पर पुलिस अधीक्षक ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उन फेसबुक यूजर्स की तलाश पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का शासन से निर्देश है। इसके बाद भी लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही एक अफवाह भरे पोस्ट पर जिले के रैदोपुर स्थित प्राइवेट अस्पताल के सीनियर मैनेजर ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। SP ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस को दी तहरीर में अस्पताल के सीनियर मैनेजर ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। इसमें हमारे अस्पताल को लेकर अफवाह ज्यादा है। 2-3 दिनों पूर्व एक फेसबुक पोस्ट में यहां तक लिख दिया गया था कि अस्पताल से कोरोना से मृत एक व्यक्ति का शव प्लास्टिक में लपेटकर बाहर निकाला गया। हमारा अस्पताल कोविड के मरीजों के इलाज के लिए शासन से अनुमति प्राप्त है। इसके साथ ही सुरक्षा के सारे संसाधन यहाँ मौजूद हैं। अफवाहों के चलते अस्पताल के कर्मचारी डरे सहमे में हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि अस्पताल के स्टाफ आसपास के मकानों में किराए पर रहते हैं और मकान मालिक इन अफवाहों के चलते उन्हें आवास छोड़ने को कह दिए हैं। ऐसी स्थिति में इन अफवाहों को पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। अस्पताल के सीनियर मैनेजर की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं SP त्रिवेणी सिंह का कहना है कि जांच कर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस शव के निकलने की बात पोस्ट में कही गई है उसके साक्ष्य पोस्ट करने वाले से मांगे जाएंगे। यदि वह साक्ष्य नहीं दे सका तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। देखिए, इस तरह के अफवाहें सोशल मीडिया पर लोग चला रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ सभी को कि कोरोना को लेकर के किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की और उसमें अगर सत्यता नहीं पाई गई तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। मुकदमा कायम करूंगा, जेल भेजूंगा ऐसे लोगों को जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी एक डेड बॉडी मिलने की बात कही जा रही थी सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसा है क्या संज्ञान में? ये जिन लोगों ने डेड बॉडी मिलने की बात कही है उनके खिलाफ मैंने मुकदमा कायम कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस बात का वो प्रमाण दे नहीं पाएंगे कि कोरोना से मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी छिपा के भेजी जा रही थी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।